एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के सामने, और यहाँ पे हम लोग को कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई दैट ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन, इस इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ए बी और सी का, उसको पुट करना है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे बतला रहा है कि ये इक्वेशन जो है इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ए बी सी का वैल्यू बैठा के और दिखाना है कि इक्वल कैसे नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिख लिया है और यहाँ पे ए नंबर का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया है, अब इस पे बैठाना है, तो ए मतलब 12 हो गया, 12 सावधानी से बैठाना होगा अदरवाइज गलती होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, उसके बाद बी, बी इक्वल टू माइनस 4 हो गया, माइनस 4, और उसके बाद प्लस सी, सी में 2 हो गया, ब्रैकेट करते हैं बंद, नॉट इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और फिर यहाँ पे ए, ए का मतलब है कि 12 और डिवाइड, और b का मतलब है माइनस 4, तो प्लस हो जाएगा फिर यहाँ पे, और ये हो जाएगा a इक्वल टू 12 हो गया, और फिर डिवाइड हो गया, c इक्वल टू 12 हो गया, मतलब 2 हो गया यहाँ पे। इस तरह से इसको इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे इधर करते हैं 12 डिवाइड, इसको करते हैं यहाँ पे 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, लेकिन 2 इसका वैल्यू रहेगा, माइनस 2 वैल्यू रहेगा क्योंकि ये माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस 2 कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो अब सिंपली जो है इस तरह से डिवाइड हम लोग को नहीं करना है, यहाँ पे जैसे ये 4 12 हो गया और माइनस 4 हो गया, तो इसको कितने बार में गया, ये इस तरह से 4 3 12 हो गया, तो इक्वल टू माइनस 3 आ गया, ठीक है। इसको अब रफ में हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, तो यहाँ हो गया माइनस 3, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस हो गया, और यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ 6 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस 6 आएगा, माइनस 6 नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे 6 में से माइनस 3 मतलब 6 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 3, इक्वल टू 3 होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, तो हम यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, कंप्लीट हो गया ये, इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, और एक पार्ट और है तो बी पार्ट ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, और यहाँ पे ए बी सी का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, इक्वेशन वही है उसी पे बैठाना है, तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है माइनस 10, ए दिया हुआ है तो माइनस 10 हो गया, उसके बाद डिवाइड यहाँ पे बी, बी 1 दिया हुआ है प्लस 1 हो जाएगा, सी दिया हुआ है नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे फिर माइनस 10 हो गया, फिर डिवाइड का साइन दिया हुआ है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, और डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो बी, बी यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको जो है हम लोग बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, फिर प्लस हो गया, और यहाँ पे ए मतलब माइनस 10, माइनस 10 डिवाइड 1, फिर इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ कितना हो गया माइनस 10 डिवाइड 1, 1 प्लस हो गया तो यहाँ 2 हो गया, नॉट इक्वल टू। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को 10 को डिवाइड करेंगे 1 से माइनस 10 को, ये माइनस में है तो फिर 1 से तो 10 बार में ही जाएगा, और माइनस है तो माइनस रह जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हो गया माइनस 10, फाइनली जो है ये माइनस 10 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा ये, और इसको सेम कंडीशन वही है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 10, तो माइनस 10 हो गया, यहाँ माइनस 10 हो गया, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 5 बार में जाएगा तो माइनस 5 हो गया, यहाँ पे माइनस 5, इसको यहाँ पे रख लेते हैं माइनस 5, और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस 10 हो गया, और फिर माइनस प्लस माइनस 10 हो गया, तो माइनस माइनस 20 हो गया, यहाँ पे माइनस 5 नॉट इक्वल टू माइनस 20, तो नॉट इक्वल टू इक्वल नहीं है, ये प्रूफ लिख देते हैं हम लोग, और ये कंप्लीट हो गया, ये यही इसका आंसर हो गया।